मेरे YouTube वीडियोस पर और WhatsApp पर बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स भी आते हैं कि सर घर पे जो है वो रेगुलर एसी लगा हुआ है, नॉन इन्वर्टर मॉडल है, एक है या एक से ज़्यादा है, 1.5 से 2 टन का है और बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है और हमें जो है बिजली के बिलों से हम लोग परेशान हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का कोई हमें पैक मिल जाए कि जो हमारे बजट में भी आता हो और हमारे जो ये एयर कंडीशनर्स हैं वो भी चल जाए और घर का बाकी लोड भी चल जाए। तो और लोड में 3 HP का पंप हो सकता है, इंडक्शन चूल्हा है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, तो इस तरह के लोड भी उन लोगों के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक 6 KVA का एक सबसे सस्ता पैक, मतलब कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि इस रेट में आपको किसी भी कंपनी का जो है वो पैक नहीं मिलेगा और ये एक सबसे सस्ता पैक, और इस पैक के साथ ही आपको एक लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए एक डिस्काउंट ऑफर भी मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मतलब कि एक तो सबसे अच्छी बात ये कि पैक ऑलरेडी सबसे सस्ता बताने वाला हूँ और उस पर भी एक डिस्काउंट ऑफर। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि भी आपको सोलर सिस्टम लगवाना है अपने घर पे, तो इससे बढ़िया जो है ना तो मौका हो सकता है और ना ही इससे बेहतरीन कोई ऑफर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस पैक में कि किन लोगों को ये पैक लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उन लोगों को ये पैक लेना चाहिए कि जिन लोगों के घर में करीब 4 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक का लोड है। पहली बात तो ये कि 4 से 5 किलोवाट तक का लोड है। अब जैसे कि हमारे नॉर्मल एसी होते हैं जो नॉन इन्वर्टर मॉडल हैं, तो माना 1.5 टन का एसी भी करीब 4 किलोवाट तक का लोड जो है वो लेता है। इसके अलावा आपके घर में 2 टन का अगर एसी लगा हुआ है तो मे बी पॉसिबल कि 5 किलोवाट तक का भी वो लोड लेता हो। तो जो 5 KVA का सिस्टम है वो इतना कैपेबल नहीं हो पाता है कि आपका जो ये लोड है उसको चला दे। कुछ लोगों के घर में 3 HP के पंप होते हैं तो 3 HP के पंप को भी जो 5 KVA का सिस्टम है वो एक लॉन्ग टाइम तक रन नहीं करा पाता है। तो मैक्सिमम जो इस सिस्टम की पावर लिफ्टिंग है वो है करीब 5 किलोवाट तक। ये 5 किलोवाट तक का आपका लोड जो है आप इस सिस्टम से चला सकते हैं, तो पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों के पावर कंजप्शन जो है वो करीब 18 से 20 यूनिट पर डे का है वो लोग भी इस पैक को ले सकते हैं। मतलब ये पैक स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों के पावर कंजप्शन जो है वो 18 से 20 यूनिट के हैं, मतलब कि महीने में 500 से 600 यूनिट के आसपास का उनका बिल आता है। साथ ही इस पैक में ये भी हो सकता है कि अगर आपके पावर कंजप्शन करीब ज़्यादा हैं, मतलब 30 यूनिट तक हैं, तो उन लोगों के लिए भी पैक हो सकता है। तो इस पैक में कुछ उनको एक्सटेंड कराना पड़ेगा तो वो भी मैं वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि क्या एक्सटेंड कराने से अगर आपके यूनिट ज़्यादा आती हैं, बिजली खर्च ज़्यादा है, तो आप इसी पैक से उसका एडवांटेज भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुई बात कि किन लोगों को ये पैक लेना चाहिए। अब बात आ जाती है कि इस पैक में हम लोग क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पैक में हम लोग सबसे पहले ऑफर कर रहे हैं नेक्सस का 6 KVA का सुपर MPPT PCU, जिस PCU से आप 5 किलोवाट का कोई भी लोड जो है वो एज ए स्टार्टअप आप लिफ्ट कर सकते हैं। रेगुलर में आप 4.5 किलोवाट से आप लोड ज़्यादा मत चलाइएगा, क्योंकि मैं आपको अपनी सभी वीडियोज़ में बताता हूँ कि अगर आप किसी भी सिस्टम की मैक्सिमम जो है कैपेसिटी पे अगर कोई भी लोड चलाते हैं तो सिस्टम के फूकने का जो है वो चांस बन जाता है। मैटर नहीं करता है कि वो सिस्टम जो है वो किसी भी कंपनी का है, तो मैक्सिमम पर ही चलाना चाहिए। करीब आप 70-80% पर चला रहे हैं तो सिस्टम आपका अनट्रिप्टेड चलता रहेगा। तो ये जो PCU है इसकी खासियत ये है कि आप 6 किलोवाट का इसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं, नंबर पहली बात। नंबर दूसरी बात, 5 किलोवाट तक का लोड आप इस पे ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। और तीसरी बात कि इस पे नंबर ऑफ बैटरी जो हैं वो लगेंगी मात्र 4। तो मतलब बैटरी का खर्चा बिल्कुल कम और आपका जो है पैनल आपका 6 किलोवाट लग गया और लोड भी आपको करीब 4.5 से 5 किलोवाट तक का आपका लोड आप लिफ्ट कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन PCU। इस PCU की वारंटी है 2 साल और 2 साल आपको ऑन साइट इस PCU की वारंटी मिलने वाली है। अब दूसरा हम लोग जो इसमें ऑफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपको 8 नेक्सस के एन टाइप कास्ट मोनो बाइफेशियल पैनल। अब अगर आप लोग पहले से मेरा वीडियो देखते हैं, पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता होगा कि कास्ट मोनो क्या है। अगर आप पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं कि ये भारत का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है। इसकी वारंटी 30 साल होती है और बहुत सारे मायनों में ये नॉर्मल पैनल से, नॉर्मल अगर बाइफेशियल पैनल से भी आप कंपेयर करेंगे तो उससे भी ज़्यादा इफ़िशियंट पैनल है। अगर इंडिया की कोई सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो वो यही है कि मतलब एन टाइप का कास्ट मोनो जो है वो बाइफेशियल पैनल।
अब इस पैनल का जो जनरेशन है वो है 1 किलोवाट पैनल में, हम लोग जो हमारी कंपनी गारंटी करती है वो गारंटी करती है कि 6 यूनिट साल के 300 दिन ऑन ईयरली एवरेज आपको मिल जाएगा, और ये हम लोग आपको एश्योर कर रहे हैं, गारंटी कर रहे हैं इस बात की। बाकी आप और कंपनी से बात करेंगे कि कितना देगा तो आपको गारंटी नहीं करेंगे, ओवरली कुछ ही बता देंगे, पर हम लोग इसको गारंटी कर रहे हैं, और इसलिए इसके 8 पैनल जो हैं वो करीब 18 से 20 यूनिट पर डे का प्रोडक्शन ऑन ईयरली एवरेज कर देते हैं। तो अगर आपका बिजली खर्च इतना ही है जितना मैंने बताया कि 18 से 20 यूनिट पर डे का है, तो ऑलमोस्ट आप ग्रिड फ्री हो जाएंगे। आपको बिजली का कनेक्शन आप कटाना चाहें तो बिजली का कनेक्शन भी आप कटा सकते हैं। अब इस पैनल के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि इसका जो फ्रंट साइड है वो 420 वाट का है, और बैक साइड के प्रोडक्शन को भी अगर हम लोग जोड़ लें तो करीब 560 वाट का स्टैंडर्ड कंडीशन में ये पैनल जो है आउटपुट दे सकता है। वारंटी है 30 साल, और ये जो पैनल है ये लो लाइट कंडीशन में आपका बहुत बढ़िया काम करेगा। आपके जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी जैसे हम मार्च के महीने में हैं, अभी अप्रैल मई जून जुलाई, इन महीनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, तो आप लोगों को फ्रेंड्स एक बात बताऊं कि आप किसी भी कंपनी का कोई भी पैनल आप खरीद लीजिएगा बायफेशियल को छोड़ के, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर 0.4 डिग्री जो है पैनल की जो परफॉर्मेंस है, जो आउटपुट है, वो कम हो जाती है। मतलब लोगों को लगता ही है कि जितना धूप तेज होगी, जितनी गर्मी ज़्यादा होगी, उतना पैनल ज़्यादा काम करेगा, पर होता इसका उल्टा है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतनी पैनल की परफॉर्मेंस जो है वो कम होती है। मतलब 1 डिग्री 25 डिग्री से ऊपर 1 डिग्री अगर जाएगा तो 0.4% का डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। पर ये जो एन टाइप का कास्ट मोनो बायफेशियल पैनल है, इसमें जस्ट हाफ जो है डिग्रेशन आपको देखने को मिलता है, मतलब कि नॉर्मल पैनल्स में आपको 4.4% और इसमें 0.2%, तो मतलब जस्ट हाफ जो है वो आपको डिग्रेशन देखने को मिलेगा अगर आप हाई टेम्परेचर वाले इलाकों में इस पैनल को लगाते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे अगर आप इस पैनल को लगाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा एफिशिएंसी इस पैनल से मिलेगी। अब इस पैनल के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको एक दो चीज़ें और बताऊँ कि ये जो पैनल है इसमें आपको जगह कम लगती है। मतलब आप समझिए कि 420 वाट का 2 मीटर बाई 1 मीटर का एक ही पैनल है, तो आपकी जगह कम खर्च हुई नंबर एक बात, नंबर दो स्ट्रक्चर कॉस्ट आपकी कम लगी, नंबर तीन मेंटेनेंस जो है इसका वो भी बहुत आसान है, क्योंकि नंबर ऑफ पैनल्स कम है तो आपका मेंटेनेंस भी है जो है वो कम होने वाला है। अगर सेम आप पोली पैनल से मोनो के साथ जाएंगे, 18 से 20 यूनिट आपको अगर का प्रोडक्शन लेना है तो करीब आपको 12 से 14 15 पैनल तक आपको जाना पड़ेगा, पर यहाँ पे अगर कास्ट मोनो आप बायफेशियल पैनल ले रहे हैं तो इसमें जो है आपको मात्र 8 पैनल पे ही आपका काम चल जाएगा, और वारंटी भी आप लोगों को ज़्यादा मिलती है। अब तीसरा हम लोग इस पे ऑफर कर रहे हैं 4 नेक्सस की जो बैटरी हैं वो है सोलर की C10 बैटरी, और इस पैक में हम लोग जो है अपनी लिथियम बैटरी जो है वो नहीं ऑफर कर रहे हैं। तो वो इसलिए ऑफर लिथियम बैटरी नहीं कर रहे हैं कि लिथियम बैटरी से पैक की जो है वो कॉस्टिंग वो थोड़ा बढ़ जाती है, और ये एक बजट पैक हम लोगों को रखना है कि जिससे एक मतलब हम हमारी जो एंड कस्टमर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ़ायदा दे सकें और एक बजट में उन लोगों को ये पैक ऑफर कर सकें। तो इस पे 4 बैटरी हम लोग दे रहे हैं, C10 बैटरी है, 3 साल की फुली वारंटी है, 150 Ah की एक बैटरी है, और अगर 3 साल के अंदर आपकी ये बैटरी ख़राब होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग चेंज कर देंगे, और अगर 5 साल के अंदर आपकी बैटरी ख़राब होती है तो 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे हम आपको ये बैटरी चेंज कर देंगे। इसी के साथ हम लोग इस पे दे रहे हैं आपको 10-10 मीटर के वायर्स, और पैनल को लगाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कनेक्टर्स होते हैं वो इस पैक के साथ हम लोग आपको दे रहे हैं। अब बात आ जाती है कि ये पैक की जो कॉस्टिंग है वो क्या है और इस पैक पे डिस्काउंट जो है वो क्या है। तो फ्रेंड्स इस पैक की जो टोटल कॉस्टिंग है वो है 2,38,000 रुपये विदाउट GST। अब चूंकि बिना GST के तो कोई सामान हो नहीं सकता है, और 12% अगर इस पैक पे हम लोग GST इंक्लूड कर लेते हैं तो 2,67,000 समथिंग रुपीज़ का ये जो पैक है ये पूरा बनता है। तो टोटल कॉस्ट आई, जो पैक की कॉस्ट आई 2,67,000 रुपये, मतलब 2,67,000 रुपीज़, और इसमें भी हम लोग आपको डिस्काउंट कर रहे हैं, वो डिस्काउंट ये है कि 2,60,000 रुपये में 2,60,000 रुपीज़ में आपको ये पैक मिल जाएगा। अब इस पैक में 2 चीज़ें रह जाती हैं, स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन। तो जैसे कि मैं अपनी सभी वीडियोज़ में बताता हूँ कि इंस्टॉलेशन के लिए आपको पूरी सपोर्ट जो है वो हमारी जो इंस्टॉलेशन टीम है उसकी तरफ से आपको मिल जाएगी, वीडियो कॉल कर देंगे, प्लग एंड प्ले पूरा ये आइटम है, आप खुद 15 से 20 मिनट के अंदर अगर आपका पैनल लगा हुआ है तो इस सिस्टम को इंस्टॉल करा सकते हैं। और स्ट्रक्चर हम लोग बनाते नहीं हैं, तो स्ट्रक्चर हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अपने नियर अबाउट से ही ले लीजिएगा। तो अगर आप हमारे डीलर से ये पैक लेते हैं तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, और सपोज आपके नियर में कोई हमारा डीलर नहीं है
और सीधा आप कंपनी से ये पैक बाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप स्ट्रक्चर अपने लोकल से आप बाई कर लीजिएगा। अब ये होगी पूरे पैक की बात। अब कुछ लोगों का यहाँ पे ये होगा कि सर हमें जो है जो पावर कंजप्शन हैं वो कुछ ज़्यादा हैं, और नाइट के टाइम पे हम अपना कितना एसी चला सकते हैं और डे के टाइम पे कितना चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस पैक की जो पूरी प्रोडक्शन है वो है 18 से 20 यूनिट, तो आपको अपना एसी देखना है कि आपके एसी या आपके घर के जो भी लोड हैं उनके पावर कंजप्शन कितने हैं। तो दिन में तो आप इंटरप्टेड लोड चला सकते हैं, अपना एयर कंडीशनर्स भी चला सकते हैं और बाकी आपके घर के लोड जो है वो भी चला सकते हैं। थोड़ा सा इस पैक में लिमिटेशन ये हैं कि नंबर ऑफ़ बैटरी कम दी हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ बैटरी कम हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़्यादा बड़ा बैटरी बैंक लेना पसंद नहीं करते हैं, कि क्योंकि बैटरी एक मेंटेनेबल आइटम है। तो इसमें लिमिटेशंस बस नाइट की हैं। नाइट के टाइम पे आपको करीब जो है 4 से 5 हज़ार वॉट का जो बैकअप है इन चार बैटरी से मिलना है, अगर शाम तक आपकी बैटरी फुली चार्ज है। तो मतलब अगर 1000 वॉट का भी आप घंटे का लोड चला रहे हैं तो करीब 4 घंटे का बैकअप आप लोगों को नाइट में मिलना है। तो ये थोड़ी सी इस पैक की लिमिटेशंस हैं। अब चूंकि पैक के एडवांटेज बताए तो डिसएडवांटेज भी मेरा बताना ज़रूरी है कि भाई लिमिटेशंस भी होती हैं हर चीज़ की। तो अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों के जो है पावर कंजप्शन हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं या उन लोगों का थोड़ा बजट जो है वो कम है, तो अभी वो 8 पैनल के साथ ले सकते हैं और इस पे 6 किलोवाट तक का पैनल भी आप लगा सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपके पावर कंजप्शन बढ़ जाते हैं या अभी भी आपके पावर कंजप्शन ज़्यादा हैं तो आप इस पैक पे आप 12 पैनल भी ले सकते हैं। 4 पैनल मतलब आप एक्सटेंड इन फ्यूचर भी करा सकते हैं और आप चाहें तो अब भी ले सकते हैं। तो कल को अगर आपका लोड बढ़ता है तो आप पैनल भी जो अपना बढ़ा सकते हैं। इसके साथ एक फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपके घर पे रेगुलर एसी लगा हुआ है, नॉन इन्वर्टर जो मॉडल हैं वो लगा हुआ है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने उस एसी को चेंज करके आप या तो इन्वर्टर एसी ले लें या फिर आप सोलर एसी ले लें। इन्वर्टर एसी के पावर कंजप्शन जो हैं अगर नॉर्मल एयर कंडीशनर की हम कंपेयर करें तो उससे कम होते हैं और सोलर एसी के उससे भी कम होते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स कि आपको सोलर एसी लेना है या आपको इन्वर्टर एसी लेना है, पर मेरा रिकमेंडेशन है कि आप नॉर्मल जो एसी है उसको आप चेंज कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। ये हुआ पैक। अब इस पैक को आप कहाँ से ले सकते हैं, आपके नियर में कौन डीलर हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in, तो आप वहाँ पे जाइएगा, डीलर लोकेटर आपको वहाँ पे मिलेगा। डीलर लोकेटर में आप अपना पिन कोड डालिए, आपके नियर में जो भी कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम और टेलीफोन नंबर आपको मिल जाएंगे, आप उनको सीधा कॉल कर सकते हैं, उनका एड्रेस भी आपको मिलेगा और वहाँ से आप इस पैक को बाई कर सकते हैं। इस पैक की जो लास्ट डेट है, जो हम डिस्काउंट इस पे कर रहे हैं 2,60,000 रुपये में दे रहे हैं, वो है 15 अप्रैल 2022 के बाद में आपको ये डिस्काउंट ऑफर जो है वो नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड्स, एक और लिमिटेशंस इस पैक में हो सकती है, वो ये है कि ये वीडियो जो है वो तो मैं आज शूट कर रहा हूँ 22 मार्च 2022 को, पर 1 अप्रैल 2022 से जो सोलर पैनल की कीमतें हैं उनमें बढ़ने की कुछ गुंजाइश है, ये सुनने में आया है, क्योंकि BCD बढ़ी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी भारत सरकार ने बढ़ा दी है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो अगर कीमतें बढ़ती हैं तो ये जो पैक है इस पैक की प्राइसिंग में भी इफ़ेक्ट आएगा, और मैं आप लोगों को इसीलिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप 31 मार्च से पहले पहले बाई कर लेते हैं इस पैक को तो आपको सेम रेट में मिल जाएगा, पर अगर आप 31 मार्च के बाद में ये पैक बाई करते हैं और आप मेरा वीडियो जो है वो 31 मार्च 2022 के बाद में देख रहे हैं, तो उस टाइम की जो पैनल की कॉस्टिंग है वो सिर्फ पैनल की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और 15 अप्रैल तक जो हमारा ये डिस्काउंट है वो डिस्काउंट एज इट इज़ बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।